हेलो डिजिकरस बॉयज, वेलकम बैक टू न्यू डिजिकरस वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले टॉप 10 बेस्ट कार फोन सेल गेम फॉर मोबाइल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक 90% लोगों ने हमारी प्यारी स्ट्रॉन्ग डिजिकरस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के हमारी प्यारी स्ट्रॉन्ग डिजिकरस फैमिली के साथ जुड़ जाओ। और मैं जल्दी फिर से रिवील करने वाला हूं, तो आपका जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, क्यूएन है, वो कमेंट में जगह जल्दी बता देना। लेट्स स्टार्ट डिजिकरस गेमिंग। ओहो, पहले गेम का नाम है कार सिलर सिमुलेटर 2023 गेम्स, और ये हमारा गेम स्टार्ट हो जाए। और सबसे पहले हमें जी की कार डीलरशिप में हमारी शॉप का जगह नाम रखना होगा, मतलब हमारे शोरूम का। तो डिजिक्रास में जो कि नाम रख दिया है, और ये है डिजिक्रास डीलरशिप। ओके, तो ये जो सामने दिख रहा है वो छोटा सा ऑफिस है, और ये जो कि है हमारी जो कि मैप दिख रहा है, और इसके अंदर नेगवेयर हुड नाम का जो कि आ रहा है। तो वहाँ पे हमें जाके सबसे पहले कार को खरीदना है एंड उसको जो कि बेचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक कार दिख रही है जिसको मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टिंग हो, एंड वहाँ से मैं इस दीदी से बात करता हूँ। ओके, तो कार की कंडीशन एकदम ठीक है, और मैं इससे जो कि बार्गेन करता हूँ। ये कार की जो कि प्राइस बता रही है $29,000, लेकिन मुझे जो कि देने हैं $2,700। क्या ये मानेगी? ओके, ये जो कि मान गई दीदी, और हम लग जगह अपनी प्यारी कार को लेके चलते हैं। वैसे इनमें से आपका फेवरेट गेम कौन सा, ये कमेंट में बताना। उन सारी गेम्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जो कि आराम से डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं। वैसे इस गेम की ग्राफिक्स ठीक ठाक है एंड काफी ज्यादा सिमिलर है कार्स फॉर सेल की जैसी। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे छोटे से प्यारे से मक्खन मलाई जैसे शोरूम के पास। ओहो, ये हम लोगों ने कार को जो कि पार कर दी एकदम प्रियो लेवल की, और ये कार को हम लोग जल्दी से बेचने के लिए जो कि बेचते हैं। ओके, तो हमें जो कि प्रॉफिट, अगर हम लोग इतने में बेचेंगे तो इतना जगह हमें प्रॉफिट होगा। ओके, तो हमारी जो कि कार और डीलरशिप ओपन हो चुकी है, और हमें कस्टमर का वेट करना है। और ये देखो हमारी ऑफिस कितनी ज़्यादा चमकीली है। ओके, तो सबसे पहली दीदी आ चुकी है कस्टमर, और हाय दीदी, आपको जो कि कार जो कि बाय करनी है क्या? तो ये कार का प्राइस है $5,400, लेकिन ये दे रही है $2,758। मुझे जो कि नहीं बेचनी इतने में भाई, ₹150 नफा यार, क्या ही ₹150 में करना। ओके, तो दूसरी दीदी आई है जिसको प्राइस पता है भाई, ये तो हमने जो कार खरीदी थी उससे भी ज़्यादा कम प्राइस दे रही है भाई, नफा चाहिए, ये क्या लॉस में चला जाएगा मैं तो। और ये दीदी कितना दे रही है? ओके, तो मैंने इसे जो कि बेच डाला है भाई, नफा नहीं हो रहा, ये कार एकदम बेकार थी, हमें कोई और कार खरीदनी होगी। लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं मिनी कार मार्केट। तो तुम लोगों को पता है कि कार फॉर सेल के अंदर कार मार्केट भी है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सारे के सारे कार। ये अंकल ये आराम से कुर्सी लेके बैठा है भाई, आप ही कार कितने में दे रहे हो भैया, बताओ तो सही। $8,550 की दे रहा है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं है। और ये सर जी कितने दे रहे? हाँ सर जी, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। ओ, ये तो भूपेंद्र जोगी है भाई, भूपेंद्र जोगी कितने की दे रहे हो प्राइस? भाई ये तो काफी ज्यादा महंगी दे रहा है भाई, औकात नहीं हमारी। ये तो वही कार है ना जो अभी हम लोगों ने बाय की, ये कितने में दे रही है बता देखते हैं। $29 की दे रही है भाई, ये तो वही कार है, मुझे नहीं खरीदना। चलो नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेम है कार सेलर सिमुलेटर 2023 गेम, और ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया, और हमने अपने शोरूम का नाम रखा है डिजिक्रसो। और इस गेम की कार तो तुम लोग देख सकते हो, ओहो सुपर कार है, मतलब ये शोरूम काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। गेम तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, और हमें जो कि एक बड़ा सा आलीशान शोरूम मिल चुका है जिसके अंदर हमारा जो कि कार का लोगो रखा है। पर हमारा शोरूम अभी जो कि क्लोज था, लेकिन हम लोगों ने ओपन कर दिया, और हमारे शोरूम के अंदर एक भी जो कि गाड़ी दिख नहीं रही है। बस हमें जो कि यहाँ पे अब गाड़ी जो कि प्रेस करनी है बाय करके। अब क्या था यहाँ पे इस गेम के अंदर, हमें जो कि किसी नेकबर के पास जो कि गाड़ी नहीं लेने वाला है, हम लोग जो कि ऐसे डायरेक्ट जो कि गाड़ी बाय करके इस शोरूम के अंदर पास्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3,000 की गाड़ी है जिसको मैंने 3,000, अब यार सॉरी यार, प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़ाना था। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला कस्टमर आ चुका है। ओके भैया, आपको जो कि कार खरीदनी है? ओके, तो इन लोगों ने कार जो कि खरीद ली, और ये हमारा जो कि पैसे जो कि कलेक्ट हो चुका है, एंड अब हम जो कि नेक्स्ट कार जो कि पास्ट करते हैं। और इसके अंदर हमें और भी चीजें जो कि लगानी पड़ेगी, मुझे लगता है यहाँ पे टायर्स बेच सकते हैं, पेट्रोल बेच सकते हैं, और ये बात है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ कार नहीं बेच सकते, कार के पार्ट्स भी बेच सकते हैं। इसका जो है थोड़ा मतलब अलग है, कार फॉर सेल जैसा बिल्कुल गेम नहीं है ये वाला, लेकिन काफी ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा यूनिक और मस्त वाला गेम है ये भी, बहुत ज्यादा कह सकते हो। हाँ, कहते यहाँ पे एक आंटी जो की कार
एक टायर खरीदने के लिए आई, जो टायर आंटी ने खरीद लिया और ये कलेक्ट भी हो गया इसके पैसे। यहाँ पे हम जो कि हमारा दिन जो कि कम्प्लीट हो चुका है और अभी हम लोगों को घर जाना है, घर जाके बस आराम से सो जाना है और उसके बाद कल आना है और कल आके वापस से कार को बेचना है। लेट्स गो, गुड नाइट गाइस, वेलकम टू टुमरो। ये आज का सारा हिसाब ओके, एक और सहना दिन कार फॉर सेल इसके अंदर ओके। तो हमारा जो कि शॉप बंद था तो हम लोगों ने चालू कर दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी कार शोरूम के अंदर अभी एक भी कार नहीं है और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितनी सारी अलग अलग कार्स है, मॉडर्न, हाइपर, मस्कुलर, अलग अलग टाइप की कार है जिनको अनलॉक करने के लिए हमें और ज्यादा शोरूम को बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा लेवल जो कि कम है और अभी जो कि गार्ड रखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे कार के अंदर चोरी हो गई है। भाई कौन चोरी कर गया भाई, ये वो चोर भाग रहा है भाई, रुक जा रुक जा। अरे भाई, अरे पकड़ ने यार, चोर ने हमारा टायर लेके भाग गया यार, ये पकड़ नहीं रहा। अरे गार्ड भी रख लिया लेकिन गार्ड यार उसको पकड़ नहीं रहा। अरे यार कैसा गार्ड है यार, तुम्हारे पीछे चोर भाग रहा है पकड़ नहीं रहा यार, फालतू पैसे गए भाई। और हमें जो कि यहाँ पे जो पेट्रोल लगाना है, पेट्रोल भी हम लोग बेचते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल रख दिया और यहाँ पे टायर सारे के सारे खलास हो गए तो टायर रख दिए और इनका जो कि प्रॉफिट $1,000 चुके होगा। और यहाँ पे जो कि एक कस्टमर आ चुका है, एक कस्टमर ने 4,200 में जो कि कार को बाय कर लिया। ओके और राइट, और यहाँ पे हमारा गार्ड जो कि खड़ा हुआ है ना सही। ओके तो नेक्स्ट गेम है कार ट्रेड सेलर सिमुलेटर, ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया। वैसे ये काफी ज्यादा साफ सुथरा गेम लग रहा है और ये हमारा ऑफिस है एक कूड़े के पास। भाई हमारे ऑफिस के पास में इतना सारा कूड़ा कौन फेंक के जाता है भाई, इतनी बदबूदार ऑफिस में रहता कैसे होगा ये बंदा। चलो हम लोग मार्केट में चलते हैं यानी कि विलेज के अंदर, और ये सारे के सारे घर है बिल्कुल कार फॉर सेल की तरह। तुम लोग देख सकते हो कितने सुंदर सोसाइटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे नल्ले लोग कार बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह। ए चल बता कितने कार बेच रहा है, टपोड़ी बिना ढक्कन की हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बोतल, ओ तो ये हमें कार दे रहा है $6,148 के अंदर कार, क्या हमें बाय करना चाहिए? लेट्स गो, देखते हैं ये दीदी कितने में दे रही है कार। देखो ये हमें दे रही है 26,000 में, मुंह देखा अपना। चलो इसी से बाय कर लेते हैं कार। ओके तो हम लोगों ने इस अंकल से कार को बाय कर लिया लंबू से, टपोरी बिना ढक्कन की बोतल। अभी हम लोग इस कार के अंदर बैठ रहे हैं और राइट, ये गेम के अंदर भी काफी ज्यादा मक्खन मलाई की तरह हम लोग जो की कार को चला रहे हैं। मतलब ये गेम भी काफी ज्यादा अच्छा है, बस थोड़े थोड़े से ग्राफिक्स और वो जो ऑफिस कूड़े के पास रखा था ना वो थोड़ा बेकार लगा। वैसे रोड और जंगल तुम लोग देख सकते हो, हा, यहाँ पे कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा सामने, मतलब एक भी कार वाला नहीं दिख रहा जिसको हम लोग जो कि ऐसे मार सके, यानी ट्रैफिक बहुत कम है इसके अंदर। ओके यहाँ पे देख सकते हो सोसाइटी है, यहाँ पे भी कार बेचते है भाई। ये कौन सा नगर है भाई, इस सोसाइटी का नाम क्या है, गोकुलधाम सोसाइटी है क्या नाम इसका? अल्लाह दर्जी, अरे वाह 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 भाई यार, क्या ही मस्त मस्त घर है, मतलब सोसाइटी लग रहा है ऐसे कि सोसाइटी है भाई। ओके हम लोग ऑफिस में आ चुके हैं, हमारी कार को जो कि पार्क कर दिया है एंड अब हम लोग अपनी कार की प्राइस जो कि देखने वाले। Okay, तो हमने अपनी कार की ओर लगा दिया है सेल पे लेकिन अभी तक एक भी कस्टमर आया नहीं है, पिछले 2 घंटे हो चुके हैं। भाई कस्टमर भेजो यार, क्या कर रहे हो, गेम के अंदर ग्लिच हो गया क्या भाई? यार इस गेम के अंदर कस्टमर ही नहीं आ रहे भाई, क्या बात है यार। ओके नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट गेम है कार सेलर सिमुलेटर 2023। गेम तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और अभी हमें सिटी मोड करना है और ये गेम थोड़ा सा अजीब है ना, ऊपर एड लगी है और आते ही भाई इनसे हमें जो की कार बाय करनी है। ओके तो ये कार दे रहा है $7,000 में और ये सुपर कार दे दी भाई आते ही, क्या बात है, ये तो काफी अच्छी बात है वैसे। एंड अभी हमें अपनी शोरूम के पास जाना है लेकिन हमारा शोरूम है कहाँ पे, यहाँ पे तो हर जगह पे घर घर रहने लगे हुए हैं पता नहीं, चलो यहाँ पे जाते हैं। ओके तो ये हमारा शोरूम है कार का और अभी हमें फिलहाल यहाँ पे कार को स्टॉप करने के लिए बोला जा रहा है एंड इसको जो कि बेचने के लिए सेल पे लगाने के लिए बोला जा रहा है एंड अब शायद से कस्टमर आएगा, चलो देखते हैं। ओके तो 2 कस्टमर आ चुके हैं, सूट वूट वाले अंकल। अल्लाह सर जी आपको कार खरीदनी है बताइए, ये कार मैं आपको दूंगा $7,020 के अंदर, आपको बाय करनी है सर जी तो बताइए जल्दी से आपके। ओके सक्सेसफुली बाय कर लिया,
इस कार को। ओके तो अभी हमें जो कि अपने शोरूम को अपग्रेड करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये लो भाई माय शोरूम इज अपग्रेडेड। ओके तो इसका इस गेम में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं लगा ये सब अपग्रेड करने के लिए। ओके ऑफिस में कंप्यूटर भी नहीं है, लो बताओ कर लो बात। ये ऑफिस के अंदर कंप्यूटर भी लगा दिया, सब लगा दिया भाई कार के अंदर। ओके तो ये अंकल से पूछते ये दीदी आप सुपर कार कितने में दे रही हो भाई, ऐसे क्यों खड़ी है, देखो यार ये ऐसे क्यों खड़ी है, ये मोमोज बेचने वाली लग रही है ना। ओके तो मैंने इसकी जगह सुपर कार बाय कर ली है। एंड ये देख सकते हैं मक्खन मलाई जैसी गेम तो नहीं कह सकते इसको, ये थोड़ी सी बेकार गेम लगी मुझे, इसके कंट्रोल वगैरह थोड़े से बेकार लगे। और यहाँ पे कार मार्केट है जहाँ पर सेम टू सेम कार सारी की सारी मिल रही है, नहीं यार ये गेम में मज़ा नहीं आया, मतलब वो जो कार फॉर सेल वाला मज़ा आना चाहिए ना, किक होना चाहिए ना, हिट होना चाहिए ना, वो नहीं दिख रहा। वैसे ही सर जी से पूछते ये ऑरेंज वाली सुपर कार कितने में दे रहे हैं, सर जी हैं ऑरेंज वाली कार कितने में दे रहे हो। ओके सर जी गए भाड़ में, मुझे नहीं लेनी अब कार बार, मैं सीधा चल रहा हूँ अपने शोरूम में और इस कार को जो कि मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड बेचने पे लगाता हूँ $10,000 पे लगा दिए मैंने कार, जिसको खरीदनी है कर खरीदे वरना बाहर की भट्टी में जाओ। ये लगा दी कार को मैंने यहाँ पे, शोरूम को अपग्रेड कर सकते हैं, बस ये ऐसा गेम है दोस्तों, कार को अब लाना है और बेचना है और शोरूम को अपग्रेड करना है। एंड ज़्यादा सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा अलग है कार फॉर सेल के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी एड भी आती है, तो इसलिए ये गेम मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ओके तो मैंने इस कार को भी बेच दिया $10 की। ओके नेक्स्ट गेम है कार सीलर सिमुलेटर डीलर से, लेट्स गो गाइस। ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा कार फॉर जैसा लग रहा है। ओह वेलकम टू कार फॉर सिमुलेटर 2023 लिखा रहा है, ये तो बिल्कुल कार फॉर सेल जैसा है भाई, भाई सेम टू सेम वैसा है। हाँ यार इसके तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है। और ये हमें सबसे पहले यहाँ पे जो कचरा है उसको जो कि साफ करना है, तुम लोगों को पता ही है पहले पहले कचरा साफ करना पड़ता है। एंड इसके बाद दरवाजा खोल के तुम लोग देख सकते हो भाई ऑफिस काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। और अभी हमें जो कि नाम जो कि यहाँ पे रखना है, तो सबसे पहले हम लोग अपने कार फॉर सेल ऑफिस का नाम रखते हैं डिजिकल स्कैवर ऑटो, और जो भी आएगा मस्त मक्खन मलाई वाली कार मिलेगी। और यार सामने तुम लोग देख सकते हो कार को पेंट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, सेम टू सेम ये वाला गेम मुझे कार फॉर सेल जैसा लगा, बस इसके थोड़े कंट्रोल और इसके थोड़े बग है ना वो फिक्स कर दे तो एकदम वो वाली वाइब आ जाएगी और ग्राफिक्स थोड़े अच्छे कर दे तो। ओके तो अभी हम लोग नेकबर में आ चुके हैं एंड नेकबर में आने के बाद हम लोगों को तुम लोगों को पता है कि कैसे कैसे कस्टमर जो कि उनके कार को बाय करना है। ये चड्डी वाली दीदी आ गई, चड्डी वाली दीदी देखो यार आपको कौन सी कार को बेचना है बता दीजिए जल्दी सी। ओके तो ये इसके पास वाइट कार है जो हमें दे रही है 6,000-8,000 के आसपास के डॉलर्स के अंदर, $6,000 में दे रही है ना, तो चलो यार इस कार को देखते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रही है कार। ओके तो मैंने इस कार को बाय कर लिया, मैंने इस कार को चेक कर लिया, अब इसको जो कि स्टार्ट करके हमारी ऑफिस के पास ले जाते हैं एंड इसको जो कि बेच के मुनाफा कमाना है। मैं इसको जो कि कितने में बेचूँ बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा कितने में बेचूँ, $8,000 में बेचूँ क्या या फिर 10,000। ओ भाई ये कार तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चल रही है, इसके अंदर तो बूस्ट मोड भी है, वाह यार वाह मज़ा आ गया, मतलब ये चला गया चला गया चला गया, ये मज़ा आ गया भाई। ये पहुँचने, अरे भाई यार मैं बस पूछ ही रहा था भाई ड्रिफ्ट क्या लगाई है मैंने, भाई ड्रिफ्ट एकदम खतरनाक लगाई थी। ओके यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैंने कार फॉर सेल के सामने मतलब मेरे ऑफिस के सामने इस कार को लगा दिया है एंड ये हमारा बड़ा सा ऑफिस है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वैसे ऑफिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस कार को जो कि हम लोग बेचते हैं $10,000 के अंदर, अगर जिस को खरीदना है खरीदेगा, $6,000 में मैंने इसको बाय किया, 3,000-4,000 का मुनाफा मुझको चाहिए, इसलिए 10,000 लगा दिया सेल पे, जिसको आना है खरीद लो फटाफट से, कस्टमर यार भेजो यार कस्टमर आ जाओ, ग्राहक यार ग्राहक आ जाए जल्दी तो कार को बेच के मजा आ जाए। वैसे सामने देख सकते हो भाई सेम टू सेम ये कार फॉर सेल जैसा गेम है। ओके तो दो चड्डी वाले आए और एक आंटी आई है कार खरीदने के लिए, चलो आ जाओ चड्डी वाले अंकल। वैसे इस आंटी को देखते हुए इसी आंटी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या, इसका मुंह ऐसा जो कि दिख रहा है। ओके तो ये आंटी मानने के लिए तैयार होगी $10,000 के अंदर, क्या बात है, ओहो तो इसे बेच ही देते हैं आंटी, क्या बात है पहला ही कस्टमर जो कि मान गया, तुम चड्डी वाले बाद में आना मैं तुम्हारे लिए मस्त कार लेके आऊँगा। ओके तो अब हमें जी की रात हो चुकी है, तो अब हम लोग हमारे सरे हुए
गरीब वाले घर के अंदर सोना पड़ेगा। चलो मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। नाइट और आज का प्रॉफिट हुआ $3,700। लेट्स गो। द नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं यहाँ पे विलेज से एक नई कार को जो कि बाय करके लाया हूँ, जिसकी कीमत मैंने $2,500 दी थी, $2,500 से थोड़ा कम। तो इस कार को अंदर बहुत सारा डैमेज है, तो चलो इससे रिपेयर करता हूँ। हाला सर जी, आप जो कि इस कार का जो भी डैमेज है उसे रिपेयर कर दो, बस छोटा सा आगे का डैमेज है, इसका जो कि आराम से 21 सेकंड के अंदर रिपेयर कर दी और ये हम लोग बाहर निकालते हैं। एंड अब इस कार को जो कि हम लोग कलर कर देते हैं, ठीक है। तो कलर मैं जो कि इस पर ब्लू करवाता हूँ, और देखो जी कलर एकदम मस्त करना है, मेरे को ब्लू करना है। ब्लू इज द माई फेवरेट कलर, मरिंडा इज द नॉट गुड बट ब्लू इज सो एलिगेंट, सो लुकिंग लाइक अ वाओ। ये देखो यार, ब्लू मस्त लग रही है ना। अब इस कार को मैं बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा, तो ये वाला गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दूसरी गेम से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो नेक्स्ट गेम है कार सेलर सिमुलेटर गेम 2011। और ये गेम स्टार्ट हो गया, एंड ये थोड़ा सा अजीब गेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है। ओ भाई, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा छोटा ऑफिस है, और इसके अंदर भी कचरा हमें साफ करना पड़ेगा। अरे यार यार, कचरे साफ करने वाला बना दिया भैंस की टांग, बार बार यार कचरा साफ करना पड़ता है। चलो इस टायर को लेते हैं, इस टायर को लेते हैं भाई। ये हटाओ यार सबसे पहले, इस ये दरवाजे पे जो भी लगे, ग्रेट जॉब। ओके, तो यहाँ पे अब हम अपनी शॉप का नाम भी रख दिया, टीजी क्रस शॉप। और कार शॉप है वैसे, शॉप नहीं रखना था। ओके, ये हमारा गंदा सा ऑफिस है भाई। भाई इसके अंदर तो कंप्यूटर भी नहीं है, इसके अंदर लैपटॉप लगाया हो अभी 5,000 वाला भाई, एकदम सरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब हमें जो कि यहाँ पे कार को रिपेयर भी करने वाला है। ओके, ऑटो रिपेयर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो कि विलेज जाना होगा, एंड उसके बाद कार को जो कि बाय करके बेचना होगा, तुम्हें पता ही है। तो इसके अंदर देखते हैं कैसा विलेज है, कैसा नेगवेयर हाउस है। एंड हम लोग आज के सोसाइटी में और नेवर हाउस में, और यहाँ पे कौन है, ये तो काली विधवा है। अरे काली विधवा भी बेचती है क्या कार? ओ भाई ब्लैक विंडो, यहाँ पे क्या करिए। ओके, तो ये $7,432 में कार बेची थी, क्या हमें इस कार को बाय करना चाहिए? आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाय करना चाहिए। वैसे कार तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लग रही है, मतलब इतनी बेकार नहीं लग रही। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये गेम के ग्राफिक्स मस्त है और घर भी मस्त है भाई। और ये दीदी मैं कितने बेच रही है, ये बारबी वाली है ना भाई, बारबी वाली। एक सेकेंड भाई, इतनी ज़्यादा महंगी कार बेच रही है, दिमाग तो खराब नहीं है इसका? ओके, तो मैंने इसी से जो कि काली विधवा से कार जो कि बाय कर ली है, सस्ती मिल रही थी, बाकी सब लोग तो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे इसलिए। ओके, तो ये गेम मस्त लगा, मतलब मुझे ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब इस गेम के ग्राफिक्स से लेके इस गेम की जो भी है, मतलब सही लगा यार। देखो यार, मक्खन मलाई की तरह ये कार जा रही है, लेकिन इस गेम के अंदर पेंट नहीं। अबे यार भैंस की टांग डैमेज कर दिया यार, मैं बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर हूँ ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इससे जो कि ऐसे ही बेच देते, क्योंकि हम लोगों ने इससे जो कि बाइक गया है $7,500 के अंदर, तो हम लोग इसे बेचेंगे $22,000। ओके, ये जो कि सही है, पता नहीं यार कस्टमर बाय करेगा अभी नहीं इतनी प्राइस देख के। ओके, रात भी इतनी ज़्यादा जल्दी हो गई, तो अभी हमें घर पे जाके सोना पड़ेगा $10 दे के, हमें अपने घर पे जाते हैं। चलो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास कौन सा गरीब घर है भाई। हम लोग जो कि एक वैन के अंदर सोते हैं। हेलो, ये हमारी वैन है, इसके अंदर हमारा घर है। चलो पिछले वाले से तो अच्छा ही है, इसके ग्राफिक्स में चेक करा था कैसे। तो चलो अब हम लोग वैन के अंदर सो जाते हैं आराम से, मिलते कल सुबह को 5 बजे सुबह के। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कार मार्केट के अंदर, जहाँ पे नल्ले लोग यहाँ पे सूट वूट पहन के आते हैं कार बेचने के लिए। हेलो सर जी, मिस्टर कार। ओ भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? $24,000 में तेरे को दूंगा इस कार के। भाई यहाँ पे सुपर सुपर कार भी लगी हुई है और बहुत सारी कार। बोले ये काली विधवा यहाँ पे भी बेचने आ गई यार कार। चलो देखते हैं ये कार कितने के बेच रही है। ओ भाई यार, इतनी महंगी $41,000। ओके, ये अंकल $10,000 की कह रहा है, लेकिन मैंने इसको बार्गिन करके 10,600 में जो कि मना लिया इस कार को बाय करने के लिए। एंड इस कार को अब हम लोग लेके चलते हैं फटाक से। ओके, ये कार तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब हम लोगों ने सही प्राइस में बाय कर लिया। ब्लू कलर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड इस गेम की बात करूँ तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ग्राफिक्स के मामले में एंड सारी चीज़ें में। बस इसका जो ऑफिस है ना वो छोटा है, शायद अपग्रेड होगा तब बड़ा होगा। एंड इसको हम लोग जितना ज़्यादा अच्छा खेलेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे इस गेम में लग रहा है। ग्राफिक्स भी मस्त है। और राइट, मैं ऑफिस में आ चुका हूँ, और ऑफिस में आते आते शाम भी हो चुके हैं, तो जल्दी से हमारे सरे हुए ऑफिस में जाते हैं। भाई बहुत छोटा गेम ऑफिस है ना सारी कार फॉर सेल गेम से। और अभी हम लोग अपने कार को सेल पर लगाते हैं, तो हम लोग कितना प्राइस रखें इसका,
हम लोगों ने बाय किया 10,600 डॉलर्स के आसपास, 400, तो हम लोग इसे 20,000 रखते हैं। क्या पता हमें जो कि 6,000 मुनाफा मिल जाए, 6-10,000। ओके, तो यहाँ पे पहली जो कि मोहतरमा आ चुकी है कार खरीदने के लिए। दीदी बताइए, आप जो कि इस कार को खरीदना चाहती क्या? तो ये कह रही कि ये प्राइस अच्छा नहीं है, मुझे 14,000 डॉलर्स में दो ना चाहते हो क्या? ओके, तो इसे बार्गिन करते हैं, हम लोग इसे 14,800 डॉलर्स कहते हैं, क्या पता मान जाए। दिस इज नॉट फेयर प्राइस। ओके, तो ये नहीं मान रही, ये प्राइस में सही नहीं है, ऐसा बोल रही है, तो इसे हम लोग 14,055 करते हैं, क्या पता इसे मान जाए। बार्गिन करता हूँ, मान जाए तो अच्छा है भाई। ओके, दिस इज द गुड प्राइस एंड ये हम लोगों ने कार फाइनली बेच दी। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट गेम। तो नेक्स्ट गेम है कार सेल सिमुलेटर। सारी गेम का नाम सेम है और इस गेम का हमारा जो कि स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे भी हमें सबसे पहले कचरा साफ करना पड़ेगा। यार बार बार ये इतना सारा कचरा फेंक देते भाई, हर गेम की स्टार्ट कचरे साफ करने से होता है, क्योंकि भाई कार फॉर सेल के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। ओके, ये पूरा पेपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं एंड इसको भी उठा लेते हैं। रुक जाओ, ये किसने फेंका डॉग फूड? और ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया। और ऑफिस तो भाई तुम लोग देख सकते हो भाई, ये ऑफिस सच में मस्त लगा भाई, ये ऑफिस बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है एंड इसके अंदर हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। डेकोरेशन करते हैं, तो डेकोरेशन में मैंने अपने कार ऑफिस का नाम रखा है डिजिक्रस ऑटो और येलो कर दिया है, मस्त लग रही है ऑफिस एकदम। और अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट बायर सारी की सारी कार को खरीदने के लिए, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट बायर। और ये सारी सिटीज थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किससे बाय कराए। इससे सबसे पहले पूछते हुए, ये सुपर कार है, काफ़ी ज़्यादा महंगी देगी है ये गोरी दीदी। ओके, तो दीदी आप कितने में दे रही हो ये प्राइस? देखते ये कितने में दे रही है भाई, ये बहुत ज़्यादा महंगी दे रही है। तो इस लड़की से मैं पूछ के देखता हूँ। वैसे इसकी कार काफ़ी ज़्यादा गंदी नहीं लग रही, वाइट है या फिर इस पर ऐसा कलर लगा हुआ है? तो ये मुझको इतने में दे रही है 10,500 डॉलर्स में। ओके, तो मैं इससे जो कि बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ही पैसा है कि मैं इससे भी ये वाली कार बाय कर सकूँ। बाकी सारे लोग महंगी दे रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गंदी कार लग रही है या फिर इसका डिज़ाइन ऐसा है भाई, ये कार काफ़ी ज़्यादा बुमर लग रही है। ओहो, चलाने में मज़ा आ रहा है, मतलब इस गेम को, इसमें कार चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझको, वाह। वैसे लास्ट वाली गेम के अंदर भी मज़ा आ रहा था और इसके अंदर भी मज़ा आ रहा है। और इसको सबसे पहले हमें साफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो कार वो उसका ऑप्शन आ रहा है, मैं वहाँ पे जो कि इसको लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं जो कि इस कार को सबसे पहले साफ़ कर लेता हूँ, कि मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और कीचड़ जो कि लगी है। हेलो सर जी, कार को एकदम मस्त चमकीला कर दो, एकदम चमकदार साफ कर देना, एक भी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारा यहाँ पे चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है, चेहरा दिखना चाहिए। और ये इतने डॉलर्स दे रहा है साफ करने के लिए, भाई कार साफ हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है कार साफ होते हुए। राइट भाई, यार कार तो एकदम चमक हो गए भाई, इसकी तो चमक ही दिखने लगी यार, पूरी कार ही अलग कर दी भाई। अब पाए इसको बेचूंगा बहुत खतरनाक भाव में, देखते कितना मुनाफा होता है इस कार को बेचने में। यार मजा आ गया, मतलब कार का पूरा चेंज ही कर डाला, एकदम अलग ही कार लग रही है ना भाई, दिस इज द एपिक यार, डिजिक्रस कार बना दिया एकदम। चलो हम लोग एकदम फास्ट चलाते हुए हम लोग ऑफिस की तरफ जाते हुए एंड अभी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी ऑफिस के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन ये सामने क्या है भाई? ऑटो मार्केट। यहाँ पे सारे के सारे नल्ले ये खड़े हैं, बातें कर रहे हैं भाई कार बार खरीदने के लिए। तो इसका ऑटो मार्केट जो कि इस तरह का है कुछ। ओके, तो हम लोग ऑफिस की तरह आ चुके हैं। वाह यार, हमारा ऑफिस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये गेम थोड़ा सा अलग लग रहा है, मतलब इसका ऑफिस भी अलग लग रहा है। राइट दोस्तों, हम लोग ऑफिस के अंदर आ गए, हमारा कंप्यूटर ऑन कर दिया, इसको 20,000 डॉलर्स में हम लोगों ने इसके सेल पे रख दिया। और यहाँ पे फूल बूल वगैरह, और ये वही वाली दीदी है ना जो हम लोगों को वहाँ पे मिली थी, और ये हमें जो कि देरी है, कितने देरी है ये कार के लिए? 12,000 डॉलर्स, तो हम लोगों ने बेच डाला, हम लोगों ने 1,500 रुपये का मुनाफा लिया। नेक्स्ट गेम कार सेलर सिमुलेटर 23। ओके, तो हमारा गेम स्टार्ट हो गया, और भाई ये तो बिल्कुल कार फॉर सेल जैसा है भाई, इसके अंदर पम्पकिन भी लगा हुआ है भाई, ये हेलोवीन का भी अपडेट डाल दिया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। वैसे भैया चलने फिरने में थोड़ा सा बग फीस है, बग मतलब बहुत सारे इस गेम के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है। और हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट बायर आ चुके हैं, और यहाँ पे ब्लैक वाली गाड़ी दिख रही है, मतलब ये गेम कह सकते हो कि बिल्कुल कार फॉर सेल जैसा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं। एंड ये सर जी कितने में दे रहे कार? ये 12,000,
13,000 के अंदर दे रहे हैं। तो इस गेम को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम की जरूरत है, जैसे ग्राफिक्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये कह सकते हैं कि जल्दी में बनाया हुआ बेकार सा कार फॉर सेल जैसा ठीक ठाक मतलब गेम है। ओके, तो मैंने इससे जो कि कार बाय कर ली है ब्लैक वाली, एंड यह इसके अंदर बहुत सारे ग्लिच मुझे दिख रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ग्लिच एंड बग है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोगों ने कार फॉर सेल जैसी ये गेम को डाउनलोड करके एक प्ले तो कर दिया है, और ये ब्लैक वाली कार है। अबे यार मैं हैवी टायर क्यों बनता हूँ? ओके, मैं यहाँ पे रिपेयर करने के लिए आया हूँ। ओ भाई ये कैसा बंदा है भाई, रैपर है क्या? रैपर यो बंटा रैपर, ये तो रैपर जो कि कार को रिपेयर करता है भाई, क्या बात है भैया, सही है, ये डिवाइन है क्या, क्या बोलती? चल बॉम्बे मेरी माँ से मिल लाता हूँ, जल्दी कार को ठीक करके बताता हूँ। इसको जो कि कलर कर सकते हैं भाई, मुझे लगे रिपेयर करना है भाई, मुझे रिपेयर करना था, कलर नहीं करना भाई, मैं इसको जो कि सेल पे लगा रहा हूँ। ओके 10,000 सेल में लगाऊंगा, उसके बाद कस्टमर आएंगे, उसके बाद बाय करेंगे भाई, ऐसा ही होगा इस गेम का। तो नेक्स्ट गेम है कार फॉर सेल सिमुलेटर 23, और सभी के नाम मतलब सेम टू सेम है, इसके भी नाम सेम है लेकिन गेम अलग अलग है सबके। और राइट, तो ये गेम स्टार्ट होगा और इसके अंदर तो हम लोग एक प्लेयर बन चुके हैं भाई, क्या बात है, प्लेयर बन के हम लोग यहाँ पे कार फॉर सेल का ये एक छोटा मोटा ऑफिस दिख रहा है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं। एक सेकेंड भाई जाना अंदर, और ये हमारे पास पहले से ही गाड़ी है भाई, ये पहले से ही गाड़ी पर ही, इसको बेचना है क्या? पता नहीं यार क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे बस स्टैंड के बस स्टॉप पे खड़े जाते हैं, एंड यहाँ पे मुझे की आ चुका नेकबोर में, नेकबोर में आने, अबे नेकबोर में जाना, नेकबोर सेलेक्ट किया। ओके भाई ये तो एक ही सेकंड में पहुँच गया मैं, ये आ चुका रोड, और यहाँ पर रंगीन रंगीन से बड़ी 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 कार जो कि मिल रही है, रंगीली रंगीली कार मिल रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सी कार पसंद आती है। चलो ये ब्लू वाली इस्तम माई फेवरेट कलर। तो टकले अंकल ये कार में कितने में दे रही हो? भाई अजीब सा जो कि साउंड आ रहा है, 4,000 में ये दे रहा है, बस 4,000। ओके तो 4,000 में मैंने बाय कर लिया, एंड ये ठीक है, मतलब चलाने में स्पीड इसकी सी ठीक है, मतलब सही लग रही है। पता नहीं इस कार का क्या नाम है, लेकिन जो भी कार का नाम है उसकी भैंस की टांग पता नहीं चल रहा, मतलब इस कार के अंदर डिटेल ही नहीं है, इस सारी गेम में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, कार का नाम क्या है, कार वगैरह जैसे कार फॉर सेल के अंदर होता है ना। तो अभी हमें जो कि इस टाइप जाना है, ये जो एरो दिखा रहा है ना उस टाइप उस वहाँ पे जाना है लगता है। अभी ऑफिस में ले जा रहा है कि कहाँ पे ले जा रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे इस गेम का जो कि क्या चक्कर है, लेकिन मुझे पता नहीं ये किस जगह पे जाने के लिए बोला जा रहा है। ए पेट्रोल पंप के अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है क्या भाई? मुझे ऐसा ही लग रहा है पेट्रोल पंप के अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है। चलो पेट्रोल पंप के अंदर जाते हैं, और ये लेफ्ट राइट ले लिया मैंने, और ये जो कि मैं आ चुका इस शॉप के पास, और यहाँ पे कार वॉश भी होती है, एंड ये पेट्रोल। अबे यार इसके अंदर पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल भराने के लिए बोला जा रहा है इसके लिए, चलो देखते हैं भाई, पेट्रोल भराने के लिए बोला ही जा रहा है तो भर देते हैं। इसकी बैस की टांग क्या है यार पेट्रोल भरने का? पेट्रोल मैंने जो कि भरने के लिए कार को यहाँ पर रख दिया, $100 मिल गए भाई, पेट्रोल भी भर गया, और ये हम लोग खेत बारी में आ चुके हैं। दोस्तों खेती बारी में कार को चलाने का मजा ही कुछ है, वैसे यहाँ पे अलग अलग खेती बारी है, लाल पीले जंगल वाला इलाका है ना, पूरा का पूरा मस्त है, मतलब वैसे व्यू देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, वो वाइब नहीं आ रही है। ओके तो यहाँ पे हमें शोरूम में जाना है, शोरूम हमें बाय करना है भाई, पूरा शोरूम मैंने बाय करना है $3,000 में, भाई क्या बात है। ओके तो ये मैंने शोरूम के अंदर एक अपना एम्प्लॉय भी रख दिया है। ओके मैडम माई व्हीकल इज कस्टमर, अच्छा मैंने इसको बोला है कि जल्दी मेरे लिए कस्टमर भेजो, मैं ये कार को बेचना चाहता हूँ। ओके यहाँ पे कस्टमर आ चुका है, ओ भाई ये कोई सा कस्टमर है भाई भाई ये कार खरीदेगा क्या? शकल से चोर लग रहा है भाई। अच्छा देखो भैया तुम्हें जो कि कार खरीदनी है, मैं इसको जो कि बेच रहा हूँ सीधे सीधे 5-6-7, इसको 4,000 में खरीदा था तो मैं इसको जो कि बेच रहा हूँ $9,750 में। भाई इतना मुनाफा होता है क्या भाई? बहुत ज़्यादा डबल हो गया मतलब ये मुनाफा है ना, तो इतने में बेच रहा हूँ तो तुम्हें बताना है तो खरीदना है तो बोलो, आए मुझे खरीदना है। ओके तो उसने खरीद लिया, 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो नेक्स्ट गेम है मोटर बाइक सेलर सिमुलेटर 2023। तो ये गेम हमारा स्टार्ट हो गया, और मैं जो कि आता ही नेकबोर्ड में चला गया हूँ, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये गेम के अंदर हथौड़ा है जिससे लेके हम लोग इनको मार के भाई कार को चोरी कर सकते हैं। ग्लिच वाला गेम है बहुत ज़्यादा, और ये कार मार्केट के अंदर आ चुका हूँ, और सॉरी बाइक वाला है। तो ये गेम जो कि बाइक वाला है जिसके अंदर हम लोग बाइक फॉर सेल मतलब बाइक खरीद के जो कि बेच सकते हैं, पहले कार फॉर सेल था लेकिन ये बाइक फॉर सेल है, मतलब इस गेम के अंदर हम लोग बाइक खरीदेंगे
और बेचेंगे। तो ये बुलेट कितने में दे रहे हो भाई? ये 14,500 में दे रहा है डॉलर्स में। नहीं है भाई इतने मेरे पास। तो ये वाली जगह बाइक सारी की सारी खरीदने की अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों इतने कम है मेरे पास? हेलो, मुझे बाइक खरीदनी है भाई। यार मैं अपनी ऑफिस में आ चुका हूँ और ये देखो हमारा ऑफिस ये है और ये सामने जो की रिपेयर वाला जो की जगह है। एंड एक सेकेंड भाई, मेरी ऑफिस के पास तो पहले से एक बाइक खरीदी है भाई। मैंने इसे कब खरीदा था? शायद मैंने इस गेम को पहले खेला है इसलिए शायद मैंने बाइक खरीदी होगी। इसका ग्लिच अभी तक नहीं गया। चलो भाई इसके अंदर बैठ रहा हूँ। भाई ये क्या है यार, कुछ दिख नहीं रहा, मैं भूत जैसा फिर रहा हूँ। हाँ ये अजीब सा ग्लिच है भाई, ये तो भूत जैसा मैं बन रहा हूँ। वैसे बाइक फॉर सेल वाला कुछ बनाना चाहिए है ना गेम। कार फॉर सेल तो बहुत सा है लेकिन बाइक फॉर सेल भी बनाना चाहिए, लेकिन ये गेम बनाया लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ग्लिच बहुत है इस गेम के अंदर। चलो इसको मैंने सेल पे लगा दिया। आप देखते वेट करते कस्टमर के आने का इससे बाइक को खरीदता है। ओके तो इस दीदी को खरीदना है और ये 8,000 डॉलर में कह रहा इसने, तो मैंने इसे जो कि बेच दिया और ये कंप्लीट हो गया। और चलो कार मार्केट में वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे नल्ले जो कि अपनी बाइक्स को बेचने के लिए आए। स्कूटी कितने में दे रहा बता? बे घोड़े ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसे बोल रहा है भाई। बुलेट ये तो 14,000-15,000 में बोल रहा है भाई, इतने पैसे नहीं है। तो ये ऐसा गेम है दोस्तों। तो आज की वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इन सारी गेम्स में कौन सी गेम पसंद आई कमेंट में बताना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो। तब तक के लिए टाटा।